देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के साकिनाका में हुई बर्बर रेप और उसके बाद पीड़िता की मौत ने हर किसी को झंझोर कर रख दिया है। इस मामले के विरोध में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से संविधान चौक पर आंदोलन किया गया। इस दौरान उन्होंने दोषी आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले ऐसी मांग की। मुंबई के साकिनाका इलाके में एक टेम्पो के अंदर 30 साल की एक महिला के साथ बलात्कार किया गया। इस वारदात ने हर किसी को झकझोर दिया है। इस जघन्य घटना की पीड़िता ने घाटकोपर के राजवाड़ी अस्पताल में इलाज के दौरान शनिवार की सुबह दम तोड़ दिया। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती किए जाने के समय ही उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी। राजवाड़ी अस्पताल में उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था और डॉक्टर लगातार पीड़िता के इलाज में जुटे हुए थे। डॉक्टरों की तमाम कोशिशें सफल नहीं हो पाई और आखिरकार पीड़िता की मौत हो गई। इस मामले का विरोध हर ओर से किया जा रहा है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से संविधान चौक पर आंदोलन किया गया। इस दौरान उन्होंने दोषी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ऐसी मांग की। मोर्चाच्या तर्फे शहराच्या तर्फे आज जी घटना आपण अनुभवली, खरं म्हणजे 9 तारखेला ही घटना झाली। गौरींच्या आवाहनाचा दिवस होता। महिला जिला या देशामध्ये एकीकडे देवीचं स्थान दिले जाते, तिच्या पूजनाचा दिवस होता आणि त्या दिवशी अत्यंत दुःखद वाह्यात घटना जिचा शब्दोच्चार करणंसुद्धा तुमच्या सर्वांच्या पुढे कठीण वाटतं, इतक्या विकृतपणे तिच्यावर अत्याचार करण्यात आला, बलात्कार करण्यात आला आणि आज घडीला त्या महिलेचा मृत्यू झाला आहे। 30 वर्षाची पोवळी पोर, तिने अजून जग पाहिलेलं नव्हतं। मुंबईत घटना झाली, पहिल्यांदा निर्भयाची घटना दिल्लीत झाली, आज मुंबईत झाली। आपण वाट कशाची पाहतोय? आपण वाट ही पाहतोय का कुठल्या अत्याचाराच्या विरोधात आपली कारवाई करण्यासाठी? इस वक्त राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए भाजपा महिला मोर्चा की ओर से तीखे शब्द में प्रहार किया गया। साथ ही उन्होंने सवाल खड़ा किया कि क्या सरकार अपने करीबी किसी के साथ ऐसी कोई घटना होने का इंतजार कर रही है क्या? आज जो महाराष्ट्र में राजधानी मुंबई में एक लड़की के ऊपर अत्याचार हुआ है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा महाराष्ट्र इसमें बहुत दुखी है। महिला मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी यह आंदोलन यहीं रोकेंगी नहीं। उद्धव सरकार को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आप घर से निकलो और महिलाओं की सुरक्षितता के बारे में सोचो, क्योंकि राजधानी दिल्ली में निर्भया कांड होता है, वो अगर महाराष्ट्र में जो मुंबई सबसे सेफ बताई जाती थी महिलाओं के लिए, आज मुंबई में भी यह कांड हुआ है, एक दूसरी निर्भया यहाँ पे आई हुई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी का पहला कर्तव्य है कि हम इसका निषेध करते हैं। और ऐसे महिलाओं के ऊपर अत्याचारों का कांड पूना ठाणे में एक आप सबको पता है कि उंगलियां काट दी गई वहाँ के अधिकारी की, तो ये कैसी सरकार है? साकिनाका की यह घटना देश की राजधानी दिल्ली में 2012 के निर्भया कांड की याद दिलाती है। वही यह घटना महिला सुरक्षा पर भी कई सवाल या निशान खड़ी करती है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।